नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। संत कबीर नगर में घोटालेबाज अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। दरअसल मामला हॉट शाखा साथा का है। यहां पर कोटेदारों को मनमानी तरीके से खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है, जिससे कोटेदार कार्ड धारकों को खाद्यान्न नहीं वितरण कर पाते। क्षेत्र के तमाम कोटेदारों का आरोप है कि हॉट शाखा पर तैनात शिशिर श्रीवास्तव और उनके कर्मचारी खाद्यान्न देने के एवज में कमीशन लेने के बावजूद उन्हें पूरा खाद्यान्न सामग्री नहीं देते, जिससे वितरण करने में उन्हें बेहद समस्याएं होती हैं। अब इससे कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि घोटालेबाज अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि जब इस मामलों में जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो कैमरे के सामने बचते नजर आए। संत कबीर नगर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अब बात पंजाब की करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक में, और उसके बाद से उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता भी वही थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा किया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस का नाम हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है, और इनके इन्हीं देश हित और आजादी के कार्यों को देखते हुए भारत में हर वर्ष 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है, जिस पर देशभर में विभिन्न प्रकार के कार्यों का आयोजन किया जाता है। इसी को लेकर मोगा के डीसी कॉम्प्लेक्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 123वां जन्मदिन मनाया गया। गुरचरण सिंह संघा जी, हाँ जी, हाँ जी, साढ़े लिए यह सारे ही फ्रीडम फाइटर आज़ादी घुलाटियां लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि अज के दिन 1897 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कलकत्ता दे विच बंगाल च होया सी। अते उन्होंने कांग्रेस दे विच हुंदिया होया, क्योंकि दो विचारधारा चल दी हैं, एक तो ऑफेंसिव है एक डिफेंसिव है। इन्होंने समझ लिया सी कि आज़ादी कली शांति दे नाल नहीं आ सकती, इन्हों लोगों ऑर्गनाइज करना पड़ेगा। इस करके इन्होंने अपने आप को उस पास ले जांदे होया जर्मनी नूं कूच किया, अते जर्मनी तो सैकंड वर्ल्ड वार दे होके ये सिंगापुर आए। उत्थे इन्होंने नारा लाया कि तुसी मैनू खून दिओ, मैं तुहानू आज़ादी देंगा। तो अज का दिन साढ़े लिए बहुत खुशियां भरिया है, क्योंकि ये 1945 का वाकया है, तो 1945 तो बाद कितने 200 साल की गुलामी नू 2 साल के आज़ाद हिंद फौज ने कट दिता। इस करके दिन असं अज मना रहे हैं। अज साडे नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच सानू सारियां नू इक्को ही संदेश दिता कि सानू धर्म निरपक्षता का राज चाहिए, सानू संप्रदायिकता नू खत्म करके सानू लोकां दे विच जिहड़ा भेदभाव है धर्म का उसकी भावना नू खत्म करना चाहिए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई दे विच पूरा योगदान पाया, आज़ाद हिंद फौज बनाई, और उस दे नाल उन्होंने अपने जरनैलों के नाल मिलके देश की आज़ादी दे विच हिस्सा पाया। अज उन्हों का जन्मदिन मनाते हुए सानू एक बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अज दे समाज दे विच अज दे हालात दे विच जिस चीज़ की सांप्रदायिकता नू खत्म करन दी जरूरत है, उन्हां दे जीवन का भी यही उद्देश्य रहा। मेरा ख्याल है कि अज आपां नू सारियां नू उन्हां दे जन्मदिन ते यही सुगंध खानी चाहिए है कि आपां हिंदुस्तान दे विच धर्म की राजनीति नू खत्म करके धर्म निरपेक्षता का राज्य लैके आवांगे, ताइयो साडे हिंदुस्तान की जित होएगी, ताइयो सुभाष चंद्र बोस जी दे उद्देश्य की जित होएगी। सो यही अज असी प्रण लेंदे होए उन्होंने जन्मदिन की श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, उन्होंने मुबारकबाद असी सारे लोगों दिने। मोगा से विपन ओकारा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक, नमस्कार।